हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मंगल गुप्ता और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मारुति न्यू अल्टो कैटेन। न्यू अल्टो कैटेन नए हार्ड टेक प्लेटफॉर्म के साथ, न्यू डिज़ाइन एलिमेंट, सेगमेंट बेस्ट माइलेज, मोर रिफाइंड इंजन के साथ आई है। ये गाड़ी हुंडई की सेंट्रो से बड़ी साइज में है और रेनॉल्ट किड से बेस्ट है। माइलेज इसका बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है और ये 5.5 लाख रुपए के इकोनॉमिकल बजट में आई है। इसका सस्पेंशन भी पिछले वाले जनरेशन से इम्प्रूव हुआ है। बॉडी की डिज़ाइन में भी नए शार्प एलिमेंट आए हैं जो इसको मॉडर्न और रिच फील करवाते हैं। ये पुरानी कैटेन के मुकाबले लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई में कई हद तक बढ़ गई है और इसके ब्लैक रिम टायर इसको बेस मॉडल में भी खूबसूरत बनाते हैं। इसके साइड बाय साइड लुक की बात करें तो इसमें नए डिज़ाइन एलिमेंट आ गए हैं जो काफ़ी समय से अपडेट नहीं हुए थे। टेल लैंप इसमें आपको DRL वाले मिलेंगे। इसमें पीछे अल्टो कैटेन की बैजिंग बहुत ही सुंदर लग रही है। नॉर्मल की इसमें मिलेगी आपको डोर लॉक अनलॉक बटन के साथ। फ्लिप वाली की इसमें नहीं आई है, की इसमें पुराने वाले जनरेशन के हिसाब से ही है, उसमें कोई नया चेंजेस नहीं है। दूसरी की आपको नॉर्मल मिलेगी, इसमें सेंटर लॉकिंग आपको टॉप मॉडल में मिल जाएगी। पीछे से ये गाड़ी सेलेरियो से इंस्पायर है और आगे से ए स्टार जैसे देखने को मिलती है। ये गाड़ी सेलेरियो से 1 लाख रुपए सस्ती है, फिर भी ये कई मुकाबलों में सेलेरियो से 19 नहीं 21 बैठती है, क्योंकि जिस प्राइस रेंज में ये ऑफ़र करती है इसको काफ़ी वैल्यू फॉर मनी ये बनाता है। अल्टो कैटेन BS6 में काफ़ी समय से अपडेट नहीं हुई थी और जब इसका अपडेट आया है तो इसने पूरे सेगमेंट में नए झंडे गाड़ दिए हैं। बूट स्पेस के मामले में ये 171 लीटर का बूट स्पेस इसमें मिला है। इसकी बूट को हम की से ही खोल सकते हैं, इसमें कोई एक्स्ट्रा इंसर्ट बटन नहीं दिया गया है। इसका बूट 171 लीटर का आपको मिलेगा जिसमें कोई भी फ्लक्चुएशन आपको नहीं मिलेगा। इलेक्ट्रिक एक्चुएटर आपको इसमें नहीं मिलेगा। पहले से इसमें 20% ज़्यादा बूट स्पेस आपको देखने को मिलेगा जो छोटी फैमिली के हिसाब से सही है। अंदर से डैम्पिंग प्रोवाइड की हुई है। इंटीरियर देखने में प्रीमियम फील हो रहा है, ऑल ब्लैक इंटीरियर। ओवरऑल ये गाड़ी काफ़ी स्पेशियस बन गई है। इसमें आपको CNG लगाने पे बूट स्पेस बिल्कुल नहीं मिलेगा। अगर आप इसमें CNG इंसर्ट करवाते हैं तो सिर्फ आप दो छोटे छोटे बैग इसमें रख पाएंगे। इसमें आपको सेलेरियो वाला सेम इंजन ड्यूअल VVT कैटेन मिल जाएगा। इसका माइलेज कंपनी क्लेम 24.07 मिलेगा, लेकिन लाइट फुट पर चलाने से आपको 25 से भी ऊपर का इसमें माइलेज मिल जाएगा। इसमें आपको नॉर्मल बूट लीवर मिलेंगे जो आपको अच्छी क्वालिटी के देखने में लगेंगे। इसमें आपको एक्स्ट्रा टायर 145/80R13 की रिम दिया हुआ है जो बाकी पांचों टायर के बराबर है। ये बूट स्पेस कंप्लीट डैम्पिंग कवर हुआ है। टाटा की गाड़ियों के जैसे इसमें कोई भी एक्सपोज पार्ट नहीं है। कॉस्ट कटिंग इस मामले में इसने
नहीं की है। मारुति ने इस गाड़ी पे बहुत रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया है और ये मारुति दिल से बनाई है। ये मारुति के लिए तुरप का इक्का साबित हुआ है और मारुति ने लो सेगमेंट में इसको एक बार फिर नए रंग रूप में डालकर अपनी बादशाहत कायम की है। गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस 161 mm है, जो पिछले मॉडल से बहुत ज़्यादा है। इसमें आपको चारों टायर 145/80R13 के मिलेंगे, जो ब्लैक डिज़ाइन एलिमेंट में बहुत शानदार लग रहे हैं। इसमें आपको शार्प डिज़ाइन डोर हैंडल सेलेरियो वाले दिए हैं। इसमें रूफ एंटीना दिया है, रूफ काफ़ी मजबूत दिखाई दे रही है। बहुत सी बार जानवर चढ़ने पर इसमें छत पिचक जाती है, लेकिन ये पहले से काफ़ी मजबूत मिल रही है। इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, छत की मजबूती पहले से काफ़ी अच्छी है। क्रोम ग्रिल इसकी खूबसूरती और बढ़ा रही है। टर्न इंडिकेटर टॉप मॉडल में भी आपको बेसिक ही मिलेंगे। डिफोगर वॉशर आपको सिर्फ एक ही मिलेगा, जो सफिशिएंट है, दो की इसमें ज़रूरत नहीं है। फ्रंट में ग्रिल बेहद ही शानदार है। ये एक्स्ट्रा ग्रिल जो लगाई हुई है, उससे गाड़ी नीचे से टकराने की ज़्यादा संभावना है, इसलिए आपको गाड़ी को ध्यान से चलाना होगा। फ्रंट में इसमें डिस्क ब्रेक दिए हुए हैं और पीछे इसमें ड्रम ब्रेक दिए हुए हैं। हेडलाइट में एक्स्ट्रा डिज़ाइन एलिमेंट इसमें डाला हुआ है। इसमें आपको न्यू हार्ड टेक प्लेटफॉर्म मिलेगा, जिससे इस गाड़ी की विड्थ आपको और ज़्यादा मिलेगी। ये पहले से सेफ और कंफर्टेबल बना दी गई है, लेकिन इसका असली टेस्ट ग्लोबल NCP रेटिंग जब आएगी तब पता चलेगा। पर महसूस करने में, दिखने में अभी ये पहले से मजबूत और सेफ फील हो रही है। इसकी लंबाई चौड़ाई अल्टो 800 से बड़ी और सेलेरियो से थोड़ी सी कम है। गाड़ी में ए पिलर, बी पिलर और जो सी पिलर है वो बॉडी कलर का दिया हुआ है। यहाँ पे कॉस्ट कटिंग की है, लेकिन इस रेंज की गाड़ी में और इससे ज़्यादा ही क्या हम सोच सकते हैं। इंटीरियर फुल ब्लैक है। इसमें न्यू अल्टो कैटोन प्रीमियम लुकिंग है। ये VXI प्लस मॉडल है, जिसमें इंफोटेनमेंट एंड्रॉयड विद हैंडल स्टीयरिंग कंट्रोल स्विच के साथ आपको मिल जाएगा। इसमें चारों डोर ब्लैक कलर के हैं। आपको फ्रंट डोर में टॉप मॉडल में भी पावर विंडो नहीं मिलेगी। इसका लुक हूबहू सेलेरियो से इंस्पायर है। साथ ही साथ ड्राइवर साइड हैंडल में सॉफ्ट टच ग्रैब रिल भी नहीं मिलेगी। यहाँ पे इन्होंने कॉस्ट कटिंग की है। सीट ड्यूअल कलर की मिल जाएगी, जो शायद ही पहले कभी अल्टो कैटोन में मारुति ने इंट्रोड्यूस की है। ये ड्यूअल कलर सीट इसको प्रीमियम बनाता है। फैब्रिक सीट, फिक्स हेडरेस्ट जो सेगमेंट के हिसाब से काफ़ी अच्छे हैं। इसमें नीचे की साइड ABC पेडल में कोई भी डेड पेडल देखने को नहीं मिला, जो हम इससे उम्मीद भी नहीं करते हैं। स्टेयरिंग इसका गोल है। ये लीवर यहाँ पे मिल जाएंगे,
स्टेयरिंग इसका गोल है, बिना क्लच दबाए गाड़ी स्टार्ट होती नहीं होती है, बिना क्लच दबाए गाड़ी स्टार्ट हो गई है, जो इसका एक अच्छा फीचर है। आइए अंदर बैठ के देखते हैं। इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर हाफ डिजिटल हाफ मैनुअल है। इसमें आपको करंट माइलेज शो बताएगा, स्टीयरिंग में स्पीड और कौन से गियर पे आपको चलना चाहिए ये भी इसमें आपको बताएगा। स्टीयरिंग इसमें वैगनर वाला है बड़ा, और भी इसमें सीट बेल्ट रिमाइंडर, ट्रिप ए मीटर, ट्रिप बी मीटर, बहुत सारी फीचर्स इसमें आपको ऑफर किए हुए हैं। ये डेमो कार 48 किलोमीटर अभी तक चल चुकी है। स्टीयरिंग पकड़ने में काफ़ी अच्छा है। इंफोटेनमेंट बटन इसमें दिए हुए हैं। हॉर्न बहुत इसमें सादा है, हॉर्न तो आपको बाहर से लगवाना पड़ेगा, इस हॉर्न से हाईवे पे आपका काम नहीं होगा। इसमें स्टीयरिंग फिक्स है, टेलीस्कोपिक टिल्ट एडजस्टमेंट इसमें नहीं है। सिंगल वाशर भी इसका काफ़ी कमाल का है, ड्यूअल वाशर की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। डे नाइट मिरर इसमें नहीं है, और बहुत छोटा मिरर है, ये थोड़ा बड़ा देते तो अच्छा होता। यहाँ पर भी मिरर नहीं है। थ्री सिलेंडर इंजन होने की वजह से अंदर इंजन हमिंग की आवाज़ इसमें आएगी, लेकिन फिर भी ये इसके सेगमेंट से सबसे अच्छा रिफाइंड इंजन है। डैशबोर्ड मटेरियल की क्वालिटी ओके ओके है, जो हम फील कर सकते हैं। ये एक लो रेंज कार है, इसके हिसाब से इसमें पहले से काफ़ी अच्छी डैशबोर्ड मटेरियल इसमें यूज किया हुआ है। 9 इंच का इंफोटेनमेंट म्यूजिक सिस्टम, जिसका टच एंड डिस्प्ले काफ़ी स्मूथ है। मैनुअल एसी का थ्रो बहुत ही अच्छा है। पावर विंडो स्विचेस इसमें दिए हुए हैं। मैनुअल एसी जिसे आप खुद से सेट कर सकते हैं। एसी का ब्लोअर का फ्लो इसमें काफ़ी अच्छा दिया हुआ है। 12 वोल्ट का एक सॉकेट इसमें दिया हुआ है। फाइव स्पीड गियर बॉक्स, जो कि पहले से काफ़ी लाइट है। इसमें कोई भी आर्म रेस्ट नहीं है, आपको आफ्टर मार्केट बाहर से इसमें डलाना पड़ेगा। अब इस नए इंजन में क्या खास है, 999 सीसी ड्यूअल वीवीटी इंजन, ये सेम इंजन सेलेरियो में आता है। इसमें बहुत ही सफिशिएंट टॉर्क है, नई टेक्नोलॉजी से बनाया हुआ है। इसमें हर सिलेंडर पे दो दो इंजेक्टर दिए हुए हैं, थ्री सिलेंडर पे 6 इंजेक्टर दिए हुए हैं, जो काफ़ी बेहतरीन टॉर्क और माइलेज इसमें प्रोवाइड करता है और इंजन को मोर रिफाइन मोर पावरफुल बनाता है। फिफ्थ गियर पे भी ये 20 किलोमीटर पर हावर पे चल सकती है, आपको कभी भी गाड़ी बंद होने का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस 999 सीसी की इंजन की सबसे बेस्ट बात ये है कि ये टाटा टियागो के 1200 सीसी इंजन से भी ज़्यादा रिफाइन है, उससे भी ज़्यादा माइलेज दे सकता है। इस इंजन का इस सेगमेंट में कोई तोड़ नहीं है। अगर आप लाइट फुट पे इसको चलाएंगे तो 25 की माइलेज आपको हाईवे पे इसकी मिल जाएगी।
और ये इजी टू मेंटेनेंस इंजन है, मोर रिफाइंड इंजन है, इसकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा है टाटा के 1200 सीसी इंजन के मुकाबले, और ये सीएनजी पे भी काफ़ी कंफर्टेबल है। हम इसका मिरर काफ़ी सिंपल है, टॉप मॉडल में भी ऐसा ही आएगा। इसमें एसी की परफॉर्मेंस चेक करते हैं, मैंने एसी चालू कर रखा था। एसी इसका विंडो ओपन होने के बाद भी काफ़ी चिल्ड करता है। स्टेयरिंग पे इसमें एक्स्ट्रा वेट उन्होंने डाला है, ये हम ड्राइव करके देखेंगे कि जो एक्स्ट्रा वेट इन्होंने पुटअप किया है ये कुछ काम का है या नहीं है। इस कार को 80-90 की स्पीड तक भी इस स्टेयरिंग के साथ, हैवी स्टेयरिंग के साथ हम आसानी से चला सकते हैं। आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। मेरी हाइट 6 फुट है और मैं यहाँ आराम से बैठ पा रहा हूँ। फ्रंट फॉग लैंप का इसमें नहीं है। फ्रंट फॉग लैंप इसमें नहीं है। सीट हाइट एडजस्टमेंट इसमें आपको नहीं मिलेगा। सीट रिक्लाइन का इसमें ऑप्शन है, वो आप कर सकते हैं। टॉप मॉडल होने के बाद भी पीछे की सीट में पावर विंडो नहीं दिया हुआ है। यहाँ ये पावर विंडो दे सकते थे, ऑलमोस्ट टॉप मॉडल में तो इनको देना चाहिए था। कीमत इसकी 5.5 लाख रुपए है। 5.5 लाख रुपए भी बहुत होते हैं। 5.5 लाख रुपए के हिसाब से इनको इसमें पावर विंडो देना ही था। लेकिन इसमें ख़ास बात यह है कि आपको पीछे की सीट में बहुत सारा स्पेस मिल जाता है पुराने वाली जनरेशन के हिसाब से। फैब्रिक सीट है, सीट में 2 अडल्ट और 1 बच्चा आराम से बैठ सकता है। उनके लिए इसमें अच्छी खासी नी रूम, हेड रूम, शोल्डर रूम इसमें आपको मिल जाएगा। बीच में इसका बीम भी पहले से छोटा बनाया हुआ है ताकि जो बीच में जो पैसेंजर बैठेगा उसको बैठने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ये नॉर्मल हाइट के 5 मेंबर के लिए बहुत ही कंफर्टेबल गाड़ी है। छोटी फैमिली के लिए आराम से इसमें आप अपना सफ़र एंजॉय कर सकते हैं। नए अल्टो K10 में आपको बेस्ट डिज़ाइन, बेस्ट कंफर्ट, बेस्ट माइलेज, बेस्ट राइड प्लस हैंडलिंग मिल जाएगी 5.5 से 6 लाख रुपए में। ये सबसे बेहतरीन ऑप्शन बन के निकल के आता है। न्यू डिज़ाइन एलिमेंट के साथ इसका अभी ब्लैक कलर भी लॉन्च हुआ है। ब्लैक कलर में तो ये बहुत ही शानदार दिखाई देती है।